55,000 परिवार सतत जीव गोपन योजना से जुड़े हुए ऐसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर के माध्यम से 5 अगस्त 2018 में शुरू की गई थी सर, अभी अर्बन एरिया में भी प्रारंभ कर लिया गया है सर। आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हुए गुलशन आरा दीदी से अनुरोध करूंगा, वो भी सतत जीव गोपन योजना का लाभार्थी है, आप अनुभव को साझा करें। मेरा नाम है गुलशन आरा, मेरा पंचायत सिरनिया पूरब, जिला कटिहार, थाना कटिहार, प्रखंड कटिहार। सबीरा जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ और मैं अपना स्थिति बता रहा हूँ। मेरा कम उम्र में शादी हुआ था 17 साल में। कुछ शादी पिता देने के बाद कुछ दिन की बात जो है मेरी एक लड़की हुई। लड़की होने के बाद देख रेख नहीं कर रही थी, माँ डगा के भगा दिया। भगाने के बाद फिर आपस में ससुराल गए। गए के बाद मेरा पति शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर से माँ डगा भगा हमको नहीं रखा। मेरा पिताजी को कहा कि आपने बेटी को ले लीजिए, तो मेरा पिता ले ली मदरसे में, तलाक नमा कर दी। उनके कुछ पैसा दिया था 70,000 रुपये, 50,000 रुपये में बैंक बैलेंस किए थे, 20,000 रुपये खान पीन कर रहे थे। पैसे जब खुरा जब हम दूसरे का रोजगार कर रहे थे तो समूह की दीदी आई, बोली गुलशन दीदी तुमने समूह में जुटो, तुम काहे इतना परेशान हो, तुमको तो समूह में जुटो, 10 रुपया बचत करो। हम बोले कि नहीं, हम दूसरे का रोजगार करते हैं, किसी दिन न करते, हम बचत नहीं करें। वो बोला नहीं, ग्राम संगठन से तुम्हें मिला रोजगार मिला जाएगा। तो हम बोले ऋण नहीं देंगे। तो बोला ऋण नहीं दे रहा है तो आपको जो है खाने पीने का आगे बढ़ने का लिए रोजगार दे रहा है। तो हमने ले लिए 2020 में 60,000 की हमको ग्राम संगठन की खरीदारी करके दी। उनसे नफा होने के बाद एक गाय लिए। गाय लेने के बाद खाए पी के अरे दिया बट्टा ने खेती किए। खेती करने के बाद बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, स्कूल भी भेजते हैं। उससे 2 बकरी लिए। 2 बकरी लेने के बाद जो 50,000 रुपया बैंक बैलेंस से किए। बैंक बैलेंस करके अभी खूब अच्छा से खान पीन कर रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं। मेरा गांव समाज की भी दीदी बोलती है कि गुलशन दीदी को कितना दुख थी, अभी जो रोजगार मिलने के बाद कितना खुशी है। तो अभी सभी दीदी से हम अच्छे हैं और जैसे हम हैं वैसे सभी दीदी रहें। और मेरे तरफ तकलीफ ना हो कोई दीदी को। और उनके बाद हम नीति गया हमको खुश रखे और खुश हैं। और नीति गया धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर इस जिला में पहले कहा था सर 33,823 समूह हैं, 3,95,900 दीदियाँ परिवार जुड़े हुए हैं सर। सबसे अनुरोध है सर सभी उपस्थित जीविका दीदियों को जो जिला के इस बिहार के जीविका दीदियों को सर के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त अनुरोध है सर। माइक दिया हुआ वहाँ ढंग का नहीं चल रहा है। कार्यक्रम के सिलसिले में विभिन्न जगहों पर जिलों में हम जा रहे हैं और उसका मकसद है कि विकास की जो योजनाएं बनाई गई हैं किस तरह से लागू हो रहा है और कहां और किस चीज़ की आवश्यकता है इसको देखने के लिए और लोगों की स्थिति क्या है, किन्हीं को क्या समस्या है इसको जानने के लिए। तो इस मकसद के साथ भी हमने ये तय कर लिया कि हर कार्यक्रम में हम जीविका दीदियों के साथ भी
एक मीटिंग करेंगे। तो जो भी हमने शुरू किया है 5 जनवरी से, तो उस सिलसिले में जितनी जगहों पर जा रहे हैं वहाँ सब जगह जीविका दीदियों के साथ बातचीत हो रही है। तो आज उसी सिलसिले में आपके बीच आने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के सिलसिले में ये मौजूद हैं इस समाधान यात्रा में, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री, माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी और माननीय मंत्री सहकारिता विभाग और कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ मौजूद हैं, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी, और यहाँ उपस्थित हैं बरारी के माननीय विधायक विजय सिंह निषाद जी, अधिकारियों की भी यहाँ उपस्थित है, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, बिहार के पुलिस महानिरीक्षक श्री आरएस भट्टी जी, बिहार सरकार के वित्त विभाग के